बॉलीवुड में अपनी छवि छोड़कर जाने वाली श्रीदेवी हमेशा ही हमारे दिलों में जीवित रहेगी। श्रीदेवी अब दुनिया को अलविदा कह चुकी है। अपने करियर में कई हिट फिल्में देने वाली श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही। मॉम फिल्म में श्रीदेवी को काफ़ी पसंद किया गया था और एक बार फिर से फिल्म के प्रमोशन के दौरान श्रीदेवी ने अपना और अपनी बेटी जाह्नवी का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जब जाह्नवी 6 साल की थी तब उसने उनकी फिल्म सदमा देखी थी, जिसमें वो कमल हसन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म को देखने के बाद जाह्नवी ने श्रीदेवी से 3 दिनों तक बात नहीं की थी। उन्होंने श्रीदेवी से कहा था वो एक बहुत बुरी माँ है और उन्होंने कमल हसन के साथ अच्छा नहीं किया। आपको पता हो, सदमा फिल्म में श्रीदेवी एक बच्चे के किरदार में थी, वहीं कमल का किरदार काफ़ी इंटेंस था। ये भी एक समय था जब श्रीदेवी ने 3 दिनों तक बिना बात किए जाह्नवी के साथ गुजारे थे। श्रीदेवी के अंतिम पलों में भी उनकी बेटी जाह्नवी उनके साथ नहीं थी, ना ही वो उनकी शक्ल देख पाई, क्योंकि उनकी बेटी मुंबई में अपनी फिल्म के प्रमोशन में बिजी थी। बॉलीवुड से जुड़ी और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए देखो देखो।